गुड मॉर्निंग, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4। आज का अपना टॉपिक द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। अरेबिया कहाँ है? अरेबिया एशियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, जिसे हम अरेबियन पेनिनसुलर भी बोल सकते हैं। अरेबियन पेनिनसुलर के अंदर यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे कंट्रीज जो ना आते हैं। ये अरेबियन पेनिनसुलर अरेबियन प्रायद्वीप इसलिए बोला जाता है कि इसके तीन और थ्री साइड, इसके ईस्ट में पर्शियन, इसके साउथ में अरेबियन सी, इसके वेस्ट में रेड सी लगता है, इसलिए इसे अरेबियन पेनिनसुलर या अरेबियन प्रायद्वीप भी बोला जाता है। वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुलर कंट्री कौन सा माना जाता है? इंडिया। क्यों? इंडिया क्यों माना जाता है पेनिनसुलर कंट्री? कौन होता है, कौन सा माना जाता है, कौन सी लैंड माने जाते हैं जिसके तीन और सी लगता हो? तो इंडिया 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.5 किलोमीटर की एक लंबी कोस्टल लाइन लगती है, इसलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुलर कंट्री इंडिया है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करें वो कौन सा है? द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। अरेबिया के अंदर, अरेबिया कंट्रीज में सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक जगह है मक्का। मक्का के अंदर जो है ना पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में होता है। 570 ईस्वी में, 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने जिस ट्राइब में जन्म लिया वो कुरैश ट्राइब था। पैगंबर मोहम्मद ने जो है ना अल्लाह यानी गॉड इज वन एक ये कहा है और उसी की प्रेयर करनी चाहिए, और उसने एक ऐसी सिंगल कम्युनिटी बिलीवर्स एक बनाई, उसका प्रिस्ट किया, उसी का प्रचार किया, जिसे हम उमा बोलते हैं। यानी एक तरह से आस्तिकों का समाज था, एक ऐसे समाज की स्थापना करनी थी जो आस्तिकों का हो, ऐसा जो है ना पैगंबर मोहम्मद ने सोचा था, माना था, और उसने इसी को इस्लाम कहा है। पूरा अरेबियन या हम ये कहे कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक ड्राई एरिया है जहाँ छोटे छोटे ट्राइब्स में ये बटे हुए थे, ये ट्राइब्स आपस में लड़ते रहते थे। पैगंबर मोहम्मद जो थे ना वो लैंग्वेज और कल्चर से उनकी पहचान क्या थी, वो एक अरेबियन थे, बट प्रोफेशन से वो एक मर्चेंट थे। ये लोग इनको बदोइन यानी इनको हम नोमेडिक लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग ड्राई टू ग्रीन एरिया में मूवमेंट करते रहते थे, ओएसिस एरिया ये ढूंढते रहते थे अपने लिए, अपने खासकर अपने एनिमल्स के लिए, कैमल्स के लिए, ताकि उनको फोडर चारा जो है ना खाने के लिए मिलता रहे। यहाँ ऐसे कुछ सिटीज थे जो जहाँ ट्रेड और कुछ जगह पर जो है ना खेती एग्रीकल्चर भी जो है ना होती रहती थी, ऐसा भी यहाँ पर था। यहाँ पर मक्का के अंदर एक यहाँ श्राइन प्लेस था जिसे हम काबा बोलते हैं। काबा, काबा के अंदर बहुत सारे जो है ना आइडल थी, स्टैचू रखे हुए थे, जिससे यहाँ के लोग जो है ना वर्शिप करते थे। यहाँ पॉलीथिस्ट सिस्टम था, बहुदेववाद सिस्टम था। कब? पैगंबर मोहम्मद से पहले लोग अपने अपने देवी देवताओं की जो है ना प्रेयर करते थे, उनको मानते थे। मक्का की इम्पोर्टेंस यहाँ इसलिए बढ़ गई क्योंकि मक्का जो है ना यहाँ श्राइन प्लेस हो गया, एक तो काबा और दूसरा यमन और सीरिया के बीच, यमन और सीरिया के का जो कनेक्शन था, जो रास्ता था, रोड था, उसके ऊपर ये पड़ता था, इसलिए लोग ट्रेड जो करते थे वो लोग यहाँ ठहर जाते थे। इसलिए भी मक्का जो ना दूसरे जो अरेबियन शहर थे उनसे ये किसी न किसी तरह से आगे निकल गया, और लोग यहाँ पर एनुअली ट्रैवलिंग करने लगे, जिसे हम हिस्ट्री के अंदर हज बोलते हैं, हज यात्रा। 612 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को जो है ना गॉड का मैसेंजर कहा। उन्होंने कहा कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, संदेश वाहक हूँ, रसूल हूँ, और गॉड ने ही मेरे को जो है ना यहाँ ये आदेश ऑर्डर किया है कि जो है ना अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उन्होंने गॉड की प्रेयर करने के लिए कुछ
प्रिंसिपल भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि डेली प्रेयर्स करनी चाहिए, एब्सटेंस फ्रॉम थीफ्स, चोरी नहीं करना चाहिए, अपनी जो भी इनकम होती है उसका कुछ पार्ट खरात के तौर पर गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। और वो लगातार, मैंने क्या कहा था कि वो बिलीवर्स, एक सिंगल कम्युनिटी बिलीवर्स की उम्मा की जो है ना, एक ऐसी सोसाइटी, एक समाज बना जो धर्म से, उम्मा से जुड़े रहें और धर्म के नाम पर एक दूसरे से बात करें और पैगंबर मोहम्मद का साथ दें। तो इस तरह पैगंबर मोहम्मद लोगों के बीच में पॉपुलर होते चले गए। उन्होंने एक बात और कही कि मक्का के अंदर जो लोग धर्म से और ट्रेड से एक तरह से वंचित हैं, वो लोग यदि मेरे साथ आते हैं या फिर जो मुसलमान बनते हैं, ऐसे ये प्रिंसिपल अपना, इस तरह के जो प्रिंसिपल अपनाएगा वो मुसलमान बनेगा और उन सब को डे ऑफ जजमेंट के दिन, कयामत के दिन, उनको सालवेशन मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और यदि वो अर्थ पर रहते हैं तो सभी तरह के सोर्स में उनका हिस्सा होगा। इस तरह मक्का के जो छोटे लोग थे, ये कह लीजिए ऐसी सोसाइटी के लोग थे, यानी जो गरीब लोग थे वो पैगंबर मोहम्मद के साथ हो गए, और जो रिच लोग थे उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने ऊपर अटैक समझा और पैगंबर मोहम्मद के वो अगेंस्ट हो गए और उसके राइवल बन गए, और पैगंबर मोहम्मद को किसी तरह से उन लोगों ने मक्का से निकाल दिया, क्योंकि ये लोग पॉलीथिस्ट सिस्टम था, बहुत देववाद सिस्टम था, बहुत सारे देवता को मानते थे। लेकिन यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा, यहाँ पर लोगों को मुसलमान पहली बार बनाना शुरू किया, मुसलमान के लिए क्या कंडीशन रखी, डेली प्रेयर करो, अल्लाह की प्रेयर करो, गॉड एक ही है, वो अल्लाह है, और कभी भी जो है चोरी नहीं करना है, अपनी इनकम का कुछ भाग जो है ना खरात के तौर पर लोगों में बांट देना है, ऐसा करने वाला मुसलमान होगा, ये पैगंबर मोहम्मद ने कहा। और इसके साथ साथ कहा डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत के दिन जो है ना उसको सालवेशन मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, यानी मरने के बाद। इस तरह पैगंबर मोहम्मद ने जब ये कहा कि अर्थ के ऊपर यदि कोई भी मुसलमान रहता है तो उसको सब तरह के सोर्स में उसको हिस्सा मिलेगा, तो वो रिच लोग उसके अगेंस्ट हो गए और उन रिच लोगों ने मक्का से पैगंबर मोहम्मद को निकाल दिया। मक्का से जब पैगंबर मोहम्मद मदीना के लिए गए, इसे हिस्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है, हिजरा। यही पर एक मुस्लिम कैलेंडर भी बनता है जो सोलर ईयर से 11 डे यानी 11 दिन छोटा है। जब पैगंबर मोहम्मद अपने मक्का छोड़कर मदीना गए और मदीना में जा कर के उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया और वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाई। किसी भी धर्म को उन्होंने कहा, सोचा कि किसी भी धर्म को, अपने रिलीजन को यदि बचा के रखना है, सर्वाइव करना है, तो अपने आप में पावरफुल बनना होगा। इसलिए वहाँ पर जाकर के उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाई, अपने लिए सैनिक खड़े किए और मदीना के लोगों को अपने साथ लिया। मदीना के लोगों का विश्वास जीतकर पैगंबर मोहम्मद ने वापस मक्का के ऊपर अटैक किया और मक्का को फिर से अपने अंडर में ले लिया। तो इस तरह पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को फिर से जीत लिया और पैगंबर मोहम्मद के लिए मक्का जो है ना वो क्या बन गई, एक रिलीजियस सेंटर बन गया और मदीना उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की कैपिटल बनी। तो इस तरह पैगंबर मोहम्मद ने अपना एम्पायर जो है ना मुस्लिम एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया और उसने आहिस्ता आहिस्ता मक्का, मदीना और अरेबियन कंट्री को जीत लिया। आज का अपना टॉपिक ये इतना ही था। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, पैगंबर मोहम्मद जिस ट्राइब, जो ट्राइब्स पैगंबर मोहम्मद का था, कौन सा था, कुरैश ट्राइब था, किसकी उसने स्थापना की, कौन सी सोसाइटी की, उमा की, उमा में कौन है, वो बिलीवर्स जो आस्तिक हैं, जो गॉड अल्लाह को मानते हैं, बस केवल एक ही गॉड को, किसको, अल्लाह को मानने वाले ये लोग जो है ना अपने भोजन की तलाश में जो है ना ओएसिस यानी ड्राई टू ग्रेन ग्रेनरी की ओर जो है ना जाते रहते थे अपने पशुओं के साथ। इनकी जो लाइफ थी वो मोस्टली क्या थी, नॉमेडिक लाइफ थी। मक्का जो जगह थी वो कुरैश ट्राइब के अंडर में आती थी
और दूसरा मक्का की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये सीरिया और ओमान के बीच, सीरिया और यमन के बीच में पड़ता था, इसलिए ट्रेड करने वाले लोग यहाँ रुकते थे, इसलिए मक्का एक बहुत बड़ा जोना शहर बनता चला गया। 612 के अंदर पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है, मैसेंजर, मैसेंजर डिक्लेयर किया। 622 में क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद ने हिजरा की है। हिजरा क्या है, जो मक्का से मदीना के लिए जाता है, यहीं से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है, जो सोलर ईयर से 11 डे जो है ना शॉर्टर है, छोटा है। और फिर मदीना जाकर के पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को जो है कंसोलिडेट किया है, वहाँ पर उसने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाई है और फिर वापस मक्का को जीत लिया है, और मक्का उसके उनके लिए एक साइन प्लेस बन गया है, एक रिलीजियस सेंटर बना और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल बनी वो मदीना बनी। इस तरह यहीं से इस्लाम का राइज होता है, कहाँ से अरेबियन पेनिनसुला से, और अरेबियन के अंदर प्रेजेंट में वो कंट्री कौन सा है, वो कंट्री सऊदी अरबिया है, जहाँ पर मक्का और मदीना है। ओके, थैंक यू।